हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने फोर फंडामेंटल ऑपरेशन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एडिशन का, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन का टॉपिक। और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, बड़े डिजिट्स का, छोटे डिजिट्स का, बोरो वाले नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी तरीके से। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हम लोगों ने एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ऐड किया था तो ऊपर जो लिखा रहता है पहले हम उन लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर जो नीचे लिखा रहता है उतनी लाइंस को और ड्रॉ कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम ड्रॉ करते हैं जब ऐड की बात होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपकी सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्ट में याद ये रखना होता है कि हमें लाइनों को कट करना होता है जो नीचे लिखा हुआ होता है। नीचे कितना लिखा हुआ है? 3। तो हमें ऊपर से 3 लाइनों को कट कर देना है, हो गई। अब जो लाइंस आपकी बची हैं सही विदाउट कटिंग वाली, उन्हें आप काउंट कर लो, 1 और 2, 2 आया आपको याद होगा। इसी तरीके से आप, ये 7 और 2 का है सिस्टम, पहले आपको 7 लाइंस को ड्रॉ करना है, 4, 5, 6, 3, 3, 6 और 7, उसमें से 2 आप कट कर दीजिए। अब फिर काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बचा हुआ है तो 5। इसी तरीके से जब आप 6 लाइंस को ड्रॉ करोगे और उसमें से 1 कट करोगे तो आपका फिर से बचेगा 5। आप उंगलियों पे भी काउंट करके कर सकते हो, आप लाइन से भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से इस चीज़ को आराम से कर सकते हो, बिल्कुल भी बिना टेंशन के। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 में से जब हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 4, 5 में से 4 को सेपरेट करेंगे आपका बचेगा 1। करना इसी तरीके से, चाहे लाइन खींच के कर लीजिए चाहे उंगलियों से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अच्छे से जानते हो करना, किस तरीके से आप सीख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है तो आप लाइन को ड्रॉ कर लो, लाइन को कट कर दो और फिर उसके बाद आप लोग लिख दो। इसी तरीके से 6 में से जब हम 2 सेपरेट करेंगे तो आएगा 4, और 4 में से 3 करेंगे तो आएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपके जो सेपरेट हैं ये विदाउट बोरो हैं, अभी मैं आपको लोगों को बोरो वाले भी सेपरेट सिखाऊंगा, ये विदाउट बोरो वाले हैं। 5 में से 4 को सेपरेट करेंगे आपका 1 आएगा, 8 में से 3 सेपरेट करेंगे आपका 5 आएगा, 7 में से 2 सेपरेट करेंगे आपका फिर से 5 आएगा, 9 में से 1 करेंगे आपका 8 आएगा, और 3 में से 1 को जब सेपरेट करोगे तो आपका 2 आएगा। इस तरीके से आप नॉर्मल जो सेपरेट है वो करोगे विदाउट बोरो वाले। अब चलिए देखते हैं कि बोरो वाले सेपरेट कैसे किए जाते हैं बिल्कुल आसानी से। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 4 और 3, ज़रूरी नहीं है कि हर डिजिट में आपको बोरो ही लेना पड़े। जैसे यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3, आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाला नंबर ग्रेटेस्ट है या नीचे वाला। बोरो तभी लिया जाएगा जब आपका जो सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर होगा, यानी कि नीचे वाला, ये आपका ग्रेट होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले से। ये 4 है, ये 3 है, ये तो सीधी सी बात है, 4 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, तो ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट आराम से हो सकता है सब्ट्रैक्ट। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 1, लेकिन नेक्स्ट ही टेंस पे आपका लिखा हुआ है ऊपर 5 और नीचे लिखा हुआ है 6, यानी कि ऊपर 5 है नीचे 6 है, ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर है नीचे ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जो लिखा हुआ है नंबर को कट करके वही नंबर ऊपर से लिख लो। इसके बाद आप बोरो लेंगे तो भैया बगल वाले से ले लेंगे, जैसे हम लोग दोस्तों से उधार ले लेते हैं, कभी कभी नहीं होता है। तो 7 को कट करके यहाँ से जब 1 कैरी यहाँ देंगे तो ये तो हो गया 15, यहाँ से 1 कैरी इधर दे दी तो ये इसका भी तो चला गया 6, 7 रुपीज़ के, बचे कितने 6, तो 6 यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम लोग 50 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। अब इस 7 से कोई मतलब नहीं कर चुका, 6 से मतलब है, 6 में से कितना करना है 4 हो जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट है नीचे वाला, तो 2 आएगा, और 6 में से फिर से 2 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इस तरीके से होते हैं बोरो वाले, यानी कि जहाँ आपको ज़रूरत होगी आप केवल वहीं पर बोरो का इस्तेमाल करेंगे, सभी जगह बोरो का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से। यहाँ पे 7 है और यहाँ 6 है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, आराम से सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 6 आएगा 1, यहाँ 0 है। अब 0 में क्या होगा, तो सबसे पहले 0 को कट करो, 0 ऊपर लिखो, क्योंकि 0 में से कोई नंबर ऐसा नहीं करना जैसे ऐड में होता है कि 0 में 7 ऐड कर दो तो 7 आ जाए, नहीं आप 7 ही लिख दो, नहीं आपको पहले 0 लिखना है, बगल वाले से कैरी लेनी है तो ये हो जाएगा आपका 0 की जगह 10, और यहाँ से 1 कैरी चली गई तो यहाँ बच जाएगा 7। अब 10 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 3। अब यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आप तुरंत फिर जस्ट इसके बगल वाले से कैरी लेके यहाँ बचाओगे 2, और यहाँ आप 1 कैरी एड करके दोगे 17। तो ये आपका हो गया 17, ये हो गया आपका 2। अब 17 में से जैसे ही आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके बचेंगे 8, और ये इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो 2 का आपका जैसे का तैसा 2 लिख दिया जाएगा। ये आपके थर्ड और फोर्थ क्लास में, मतलब शायद ये थर्ड क्लास तक ही रहते हैं, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में आपके थोड़े से नंबर्स बढ़ जाते हैं। मैंने ऐड में भी ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि नंबर कोई भी
बड़ी चीज नहीं है, आपको बस प्रोसेस करना आना चाहिए। बाकी का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो बिल्कुल आसानी से सॉल्व होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 7 में से 9 नहीं होगा, बगल से कैरी लेंगे, ये काटो 7 लिखो, यहाँ 17 होगा, यहाँ कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 17 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा 8, ये 4 है, 4 में से 9 फिर नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कैरी ली तो यहाँ कितना बचेगा 5, 14 में से 9 करेंगे आपका बचेगा 5, 5 में से 4 अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो कोई भी बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, अब यहाँ फिर से ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये 2 है और नीचे 5, यहाँ नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट, तो हम फिर से यहाँ से बोरो लेंगे, ये 2 का हो जाएगा आपका 12 और ये 8 का हो जाएगा आपका 7, 12 में से 5 का सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा आपका 7, और ये 7 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप सीधा 7 का 7 लिख दोगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे बोरो वाले सब्ट्रैक्ट को, पहले जहाँ ज़रूरत है वहाँ बगल वाले से बोरो लेंगे और अपने डिजिट को टेंस में बढ़ा देंगे, यानी कि सीधा 1 उसके जस्ट बगल में लिख देंगे तो वो डिजिट वैसा ही बन जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोरो लीजिए, और इस तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, छोटे से कुछ रूल्स होते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं और हमें उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अरे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं 258, अब इसमें से क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट हो कि आंसर भी 258 आ जाए। तो मैंने आपसे कहा है कि आपके पास अगर 10 रुपीज़ हैं और मैं आपसे एक भी रुपए ना लूँ तो अभी तो आपके पास 10 रुपीज़ ही फिर से बचेंगे, और अगर मैंने ले लिए तो आपके कम हो जाएंगे। तो 258 में से जब मैं कुछ भी नहीं आपसे लूँगा, यानी कि कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि 0, तभी आपका वही नंबर बनेगा। अब 7649, एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, इसमें क्या है कि इसमें से ये पूछा जा रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट हो कि 0 आ जाए। अब भाई आपके पास हैं 10 रुपीज़, छोटे लेवल पे लेकर चलते हैं क्योंकि वहाँ से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। किसी भी कितने भी बड़े नंबर को अगर आपने छोटा बना लिया और वहाँ से अगर आपने समझ लिया कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपका बड़ा नंबर भी सेम टू सेम वैसा ही होगा। ये नंबर है, आप कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए, तो ये चीज़ जानने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, आपके पास अगर 10 रुपीज़ है और मैं आपसे कह दूँ जरा मुझे 10 रुपीज़ चाहिए और आप मुझे 10 रुपीज़ दे दो, तो आपके पास कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। यानी कि जितने रुपए आपके पास हों उतने ही हम आपसे ले लें तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि जो नंबर लिखा उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर क्या जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्योंकि ये चीज़ समझ गए हो तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से है कि जितने रुपए हैं उतने ही ले लिए तो बचेगा क्या? 0 अंडा, है ना। तो इस तरीके से करते हैं, और जैसा कि मैंने ऐड में भी समझाया था, अगर लिखा है 2-1 और इधर ऐसे सब्ट्रैक्ट बना फिर -1 लिखा है, तो फिर से यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, जो नंबर यहाँ कम होगा वही यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये है अभी सब्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन, अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं, हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ फ्रॉम करके भी नंबर होते हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के साइन आकर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें करना होता है, और कहीं कहीं तो चेक द आपका जो सब्ट्रैक्ट का जो आंसर आता है उसमें लिख दिया जाता है चेक द आंसर, आंसर को चेक करिए। तो उसे कैसे करेंगे ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।